मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस प्रोड्यूस करके मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ तक आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, तैयार कर लिया होगा। आइए आज के लेक्चर में पढ़ेंगे गैलीलियन इनवेरियंस, यानी गैलीलियन निश्चरता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हेडिंग डालें गैलीलियन इनवेरियंस, ठीक है। इनवेरियंस का अर्थ होता है निश्चरता और गैलीलियन, ये गैलीलियन का क्या बनेगा, गैलीलियन हिंदी में, और इसे बोलते हैं निश्चरता, यानी अपरिवर्तनशीलता है इसका अर्थ, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो आप, क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ना तो गैलीलियन पढ़ने से पहले, जब तक मैं नहीं समझाऊंगा आपको तब तक आपको ना तो ये पता चलेगा कि गैलीलियन इनवेरियंस क्या होता है, और ना ही आपको यदि ऐसा लगे कि हिंदी बता के चल जाएगा तो गैलीलियन निश्चरता कहूँगा तब भी आपको कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना, तो बस ये हमारी सोच होती है। बाकी दोनों मीडियम के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चलना चाहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो भी क्लास से लाभान्वित हो सके और इंग्लिश मीडियम वाले भी, ठीक है। चलो तो गैलीलियन इनवेरियंस क्या होता है, गैलीलियन निश्चरता क्या होती है, मैंने बताया निश्चरता का अर्थ होता है अपरिवर्तनशीलता, यानी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखो इसका अर्थ ये है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इस तरीके से बताया था आपको, है ना। पहला मान लो S है और एक दूसरा था इस तरीके से, थे ना इस तरीके से डायग्राम, मान लो पहला S है दूसरा S गैस है, ठीक है, इस तरीके से था, है ना। ये Z एक्सिस है और ये Y है, और ये Y डैश हो जाएगा, ये X डैश हो जाएगा, और ये आपका Z डैश हो जाएगा, इस तरीके से था। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक दूसरे के सापेक्ष, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक गति से मोशन कर रहे हैं v से, यानी दोनों में जो वेलोसिटी स्पीड और चाल का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, v है। मान लो एक की स्पीड 10 है तो दूसरे की 10 प्लस v है, या एक की 10 प्लस v है तो दूसरे की कितनी है, 10 है, यानी उनकी जो चाल का अंतर है, स्पीड का जो डिफरेंस है, वो कितना है, v है। तो v क्या है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी आपेक्षिक चाल है, क्लियर है। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है। तो मैंने कहा था एक निर्देश तंत्र में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापो और दूसरे में नापो, यानी दूसरे में ट्रांसफर कर दो, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को ही, उस रूपांतरण को ही आप क्या कहते थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आज आप पढ़ रहे हैं गैलीलियन इनवेरियंस, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लियर है। तो इनवेरियंस में क्या होता है, आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापते हो, फिर दूसरे में नापते हो, और आप देखते हो कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आपने नापा है वो आप पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, पहले निर्देश तंत्र में नाप रहे हो तो भी उसकी वैल्यू वही आ रही है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नाप रहे हो तो भी उसकी वैल्यू वही आ रही है। इसका मतलब है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, भले ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दें, ठीक है, भले ही आप निर्देश तंत्र को परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी जो भौतिक राशि है जिसका आप मापन कर रहे हैं उसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसी बात को, इसी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसे ही आप गैलीलियन निश्चरता कहते हैं और गैलीलियन इनवेरियंस कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपके न्यूटन के गति के नियम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जैसे आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, है ना, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये जो जितने भी लॉज हैं, बेसिक लॉज जो हैं फिजिक्स के, कोई फिजिकल क्वांटिटी वो कैसी रहती है, चाहे आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार चलें, चाहे आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार चलें, दोनों के अनुसार यदि नापोगे तो ये कैसी मिलेगी, आपको कॉन्स्टेंट मिलेगी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो दोनों
फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, उसी बात को आप, उस प्रोसेस को ही आप कहते हैं गैलीलियन इनवेरियंस। ठीक है, क्लियर है? यानी फिजिक्स के जो मेन लॉज हैं, क्लियर है, जैसे न्यूटन्स लॉज, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये सभी क्या रहते हैं, बदलते नहीं हैं, चाहे आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नापे, चाहे इसके द्वारा नापे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस इनवेरियंस, देखो जो वेरियंस होता है, वेरिएशन, वेरिएशन माने बदलना, और इनवेरियंस का अर्थ है ना बदलना, तो कैसे रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। ठीक है, सेम रहते हैं, इसे ही आप क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरियंस कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है द मेन फिजिकल जो क्वांटिटीज है ना, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, मेन चीज पता है, लैंग्वेज मेन नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना मेन है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, अब आप इसकी लैंग्वेज, मैं देखो यहाँ मैं खुद ही, यानी कोई एक व्यक्ति भी जितनी बार लैंग्वेज लिखेगा बदल जाएगी। ठीक है, और जिनका ऑब्जेक्टिव है उनके लिए तो कोई चिंता का विषय है ही नहीं, उन्हें तो केवल समझना है। तो मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो अलग हो जाएगी, नोट्स में लिखूंगा तो अलग हो जाएगी, तो इसलिए है ना, लैंग्वेज मेन नहीं है, मेन क्या है आपका, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट समझो, तो मैंने कहा जो मेन लॉज हैं फिजिक्स के, या जो लॉज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वे सब कैसे रहते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉज हैं, है ना, न्यूटन के नियम हैं गति के, है ना, गति के, न्यूटन्स लॉज, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये सब क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, चाहे आप इस निर्देश तंत्र में नापो, चाहे इसमें नापो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवेरियंस कहते हैं। कर लेंगे आप, चलो, तो पीडीएफ नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, इसलिए लैंग्वेज कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है ना, चलो, क्योंकि लैंग्वेज लिखूंगा तो यहाँ अलग हो जाएगी, फिर वहाँ अलग हो जाएगी, आप कन्फ्यूज हो जाओगे जो जिनका सब्जेक्टिव है, तो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी वही बात मैं है ना नोट्स में लिखूंगा लैंग्वेज में जो मैंने आपको समझाई है। तो गैलीलियन इनवेरियंस समझाया, तो गैलीलियन इनवेरियंस को प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल उठा करके, मान लो आप वेलोसिटी का एग्जाम्पल उठा रहे हैं, किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, तो देखो एस डैश में आप वेलोसिटी लो, है ना, और हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि एस डैश में जो आप वेलोसिटी नाप रहे हो ना, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार, वो वेलोसिटी जो एस में नापेंगे उसके बराबर होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कौन सी ले लो, आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी जो होती है यू होती है, फाइनल वेलोसिटी वी होती है, लेकिन यहाँ पर वी जो है हमने ये मान रखी है, ये यानी रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी है, तो यू वेलोसिटी यू मान लो। ठीक है, और मैंने बताया था ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरफ चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेलोसिटी किस तरफ है इसकी, एक्स डायरेक्शन में, है ना, तो यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वेग का एक्स घटक। तो देखो वेग का एक्स घटक तो यू एक्स हो जाएगा, लेकिन आप निकालो एस डैश में, तो एस डैश के अनुसार निकालेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ एस डैश में जो आप नाप रहे हो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वो यू एक्स डैश होगा, और एस में जो नापोगे, भाई दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तो एस डैश है और एक एस है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहे किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापो, चाहे इसमें नापो, दोनों में जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, सेम आती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, इस बात को ही आप गैलीलियन इनवेरियंस कहते हैं, गैलीलियन निश्चरता कहते हैं। ठीक है, यानी वैल्यू बदलती नहीं है। तो देखो मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि वेलोसिटी नापूं, तो एक्स घटक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स एक्स के अलोंग चल रहा है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यू एक्स डैश, और इसमें नापोगे तो मान लो कितना यू एक्स, और मैं कह रहा हूँ बदलती नहीं है, सेम रहती है। तो यदि आप प्रूफ करना चाह रहे हैं गैलीलियन इनवेरियंस को, तो आपको यू एक्स डैश किसके बराबर लाना पड़ेगा, यू एक्स के। एक उदाहरण देखे है ना, तो देखो यू एक्स डैश निकाल दो, आपको बताया वेग बराबर ये चार्ज बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मान लो एक्स है और टाइम मान लो कितना है टी है, लेकिन डैश लगाना पड़ेगा क्योंकि डैश इसलिए क्योंकि एस डैश में नाप रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो, एस डैश निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नाप रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक समझाया, लेकिन आपकी जो गैलीलियन
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो तो आपको याद होंगी। एक क्या थी, x डैश बराबर x माइनस वी टी, याद है ना। x डैश क्या था आपका, देखो यहां से निकल के आया था x बराबर x डैश प्लस वी टी। मैंने बताया था ये दोनों के बीच की डिस्टेंस वी टी है और ये x डिस्टेंस थी, तो x डैश कितना निकल के आया था, यहां से x डैश कितना आया था, x माइनस वी टी। क्लियर है, ये कराया था मैंने लास्ट डेरिवेशन। तो x डैश x माइनस वी टी के बराबर है, और आप बताओ जरा, चलो है ना, एक तो यही है फिलहाल, इसी की जरूरत है। चार गैलीलियन इक्वेशंस थी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, एक तो थी x डैश बराबर x माइनस वी टी, और एक थी y डैश बराबर y, ये आपको याद होनी चाहिए, z डैश बराबर z और t डैश बराबर t। ये थी आपको याद नहीं, चलो जी। तो आप मुझे एक बार बताओ, तो यहाँ पे एक बात, एक इक्वेशन और यूज होगी, t डैश किसके बराबर होता है, t के। चार में से दो इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज करनी है, तो x डैश की जगह वैल्यू रखो, क्या आएगा, x माइनस वी टी, टी डैश की जगह वैल्यू रखो, है ना, अपॉन t। तो देखो u x डैश किसके बराबर आया, x अपॉन t, और माइनस t से t कट जाएगा, v बचेगा। तो देखो u x डैश किसके बराबर आया, x अपॉन t, देखो x डैश अपॉन t डैश u x डैश के बराबर है, तो x अपॉन t u x के बराबर हुआ या नहीं, भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, और स्पीड यहाँ पे डैश नहीं लग रहा, तो यहाँ भी डैश नहीं लगेगा, यानी x फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नाप रहे हैं, और माइनस वी, ठीक है। तो आपका एक रिलेशन ये निकल के आया, और हमें यहाँ तक यहाँ से समझ में आया कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी नाप रहे हैं ना, ये तो x डैश में नापी गई वेलोसिटी है, ये x वो s में नापी गई वेलोसिटी है, और v क्या है, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है तो माइनस हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, सेम, मैंने बताया था डायरेक्शन सेम होती है तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है, और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो घट वो ऐड हो जाती है। तो ये बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी यदि जीरो हो जाए तो बराबर आ जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब है चाहे आप पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापो चाहे दूसरे में नापो, दोनों में सेम आती है। और देखो यहाँ से आगे करेंगे, फिर मान लो चेंज देखना चाह रहे हैं आप, तो देखो चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं, इधर डेल्टा लगा दो, इधर भी दोनों तरफ डेल्टा लगाओ, डेल्टा यू एक्स माइनस डेल्टा वी। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, डेल्टा मैंने चेंज इन यू एक्स डैश, यानी जो मैंने बता दिया है आपको यू एक्स डैश है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापी गई वेलोसिटी, तो चेंज है वेलोसिटी में, ये भी चेंज वेलोसिटी में है, और यह है रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज। लेकिन आप एक बताओ, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट, वो तो वी है, वो न चेंज हो रही, वो कितनी है, वी है। तो देखो वेलोसिटी, जब रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितना है, जीरो है। तो यहाँ से देख के बताओ, डेल्टा यू एक्स डैश किसके बराबर आएगा, डेल्टा यू एक्स के बराबर ना आएगा, आएगा या नहीं, चलो। लेकिन मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ आपसे, ये तो x कंपोनेंट के लिए आपने लिख रखा है, लेकिन आप यदि जनरली लिखना चाहते हो, है ना, और मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, x तो हट जाएगा भाई सबके लिए आप देख रहे हो, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश चलते हो तो यू एक्स आता है, y अक्ष के अनुदिश चलते हो तो यू वाई आता है, और z अक्ष के अनुदिश चलते हो तो क्या आता है, यू जेड आता है, ठीक है ना। लेकिन आप सबके लिए चलते हो, मतलब कॉमन लेते हैं पूरा जनरली, तो यू लेते हैं और वेक्टर फॉर्म में लिखवाना चाह रहा हूँ, तो क्या आएगा, वेक्टर यू डैश है तो डैश आएगा, डैश का मतलब है एस डैश में नापा गया, और यहाँ वेक्टर यू और यहाँ वेक्टर वी। तो आपका एक फॉर्मूला ये भी है कि वेक्टर यू डैश क्या होता है, वेक्टर यू माइनस वेक्टर वी होता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वेक्टर वी आपको पता है क्या है, वेक्टर वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी आपेक्षिक वेग, ठीक है। और जो बात मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे आप वेक्टर फॉर्म में कर लो, है ना, यदि आप ऐसे नहीं चाह रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर लो। देखो वी क्या है, वेक्टर वी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो वेक्टर डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो लिख लो, तो देखो बात वही है कि डेल्टा यू डैश जो है वो डेल्टा यू के बराबर आ रहा है नहीं, इसका मतलब है डेल्टा यू डैश क्या है,
डेल्टा का मीन्स है चेंज, ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये भी चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन ये उस वेलोसिटी में चेंज है जो एस डैस में नापी जा रही है, ये उस वेलोसिटी में चेंज है जो किस में नापी जा रही है, एस में नापी जा रही है। तो एस में नापी गई वेलोसिटी कौन सी है आपकी, एस में नापी गई जो वेलोसिटी है आपकी वो है यू, और एस डैश में जो नापी गई वेलोसिटी है वो कौन सी है आपकी, यू डैश। ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी में चेंज जो है कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैंने यही तो बात आपसे बताई थी कि गैलीलियन इनवेरियंस ये कहता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हो, फिर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हो, तो उन दोनों में जो, उन दोनों से जो फिजिकल क्वांटिटी नापने के बाद प्राप्त होती है वो दोनों सेम होती है। तो देखो सेम आ रही है नहीं, आप डेल्टा यू डैश नाप रहे हो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज है, एस डैश में नापी गई वेलोसिटी में चेंज है, ये एस में नापी गई वेलोसिटी में चेंज है, और दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी सिद्ध होता है। चलो और आगे देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया, आप देखना चाहते हो तो एक्सेलरेशन से देख लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मान लो वेक्टर ए डैश निकालो आप। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेक्टर एस डैश में जो नाप रहे हो आप एक्सेलरेशन, वेक्टर ए डैश आएगा, एस में जो नाप रहे हो वेक्टर ए आएगा, और इनवेरियंस है तो इसका मतलब दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। और करके देख लेते हैं बराबर आते हैं या नहीं। तो वेक्टर ए डैश निकालो, वेक्टर आप ए डैश निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का, त्वरण का क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, डेल्टा यू क्या है, वेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, दर, यानी डेल्टा टी रेट है, और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा नहीं, ये डेल्टा वेक्टर में बात कर रहे हैं तो डेल्टा वेक्टर ए डैश, और डैश लग रहा है सब जगह, तो यहाँ भी डैश लग जाएगा, सब जगह डैश लगेगा, क्योंकि एस डैश में नापे गया एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और हमें इस एक्सेलरेशन को बराबर लाना है एस में नापे गए एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो बताओ, लेकिन आप गैलीलियन, ओ हाँ ये तो आपने प्रूफ कर ही दिया कि डेल्टा यू डैश किसके बराबर है, डेल्टा यू डैश जो है वो है डेल्टा यू के बराबर, और जब टी डैश टी के बराबर है तो डेल्टा टी डैश भी किसके बराबर होगा, डेल्टा टी के। तो देखियो वेक्टर ए डैश किसके, डेल्टा यू आ जाएगा और ये डेल्टा टी हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर ए के, क्योंकि इन पे डैश नहीं लग रहा ना, तो वेक्टर ए आ जाएगा। तो इसका मतलब है एस डैश में नापा गया एक्सेलरेशन और एस में नापा गया एक्सेलरेशन कैसा है, सेम है। तो यहाँ से भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापी गई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापी गई फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होती है। ठीक है, यही बात मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ किसके द्वारा, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा, किस बात को, कि गैलीलियन इनवेरियंस होता है। ठीक है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप फिजिकल क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हो तो वो दोनों कैसी आती हैं, सेम आती हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेके मैंने आपको करा दिया है, वेलोसिटी का चेंज भी करा दिया है, वेलोसिटी तो देखो थोड़ी सी अलग आ रही है वो भी रिलेटिव वेलोसिटी के कारण है ना, लेकिन वेलोसिटी में चेंज सेम आ रहा है, एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, आओ देखो फोर्स भी सेम ला के दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो इधर को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जगह बहुत है अभी। देखो फोर्स करके देखते हैं, फोर्स सेम आता है या नहीं, और फोर्स देखो मैंने कहा न्यूटन के लॉ सेम रहते हैं, तो न्यूटन के लॉ में सेकंड न्यूटन का लॉ है जिसका फॉर्मूला है एफ इजिक्वल्स टू एम ए। तो एफ जो है मान लो देखो इसमें आप जो फोर्स नापोगे एफ डैश होगा और इसमें नापोगे एफ होगा, तो हम दोनों को सेम ला दें तो सिद्ध नहीं हो जाएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फोर्स, जैसे कि फोर्स एस डैश में नापो चाहे एस में नापो, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात क्या है, गैलीलियन इनवेरियंस है, वेक्टर एफ है ना, तो वेक्टर एफ डैश निकाल लो, और आपको पता है एफ इजिक्वल्स टू एम में होता है, लेकिन एम ए डैश लगेगा क्योंकि इधर डैश है, लेकिन एम पे डैश नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट रहता है, मास तो बदलता नहीं है, है ना भाई, मास तो चाहे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापो चाहे दूसरे में, मास बदल जाता है, वो आइंस्टीन की थ्योरी आगे पढ़ेंगे, मास बदलेगा तब जब वेलोसिटी किसी पार्टिकल की इतनी अधिक हो कि उसकी तुलना हो सकती हो वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तब मास बदलता है, अभी उसकी बात नहीं चल रही है ना।
क्योंकि अभी जो वेलोसिटी है बहुत है ना, ये वेलोसिटी जो है ना ये बहुत छोटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यानी जो गैलीलियन इनवेरियंस है या गैलीलियन जो इससे पहले था ट्रांसफॉर्मेशन, वो केवल कब अप्लाई होता है, जब वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो बहुत कम हो विद रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश सूर्य के मतलब प्रकाश की जो चाल है उससे बहुत कम हो, तब ये गैलीलियन बातें फॉलो होती हैं, है ना। नोट्स में मैंने लिख दिया है कि गैलीलियन जो बातें हैं, गैलीलियन इक्वेशंस हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है और गैलीलियन इनवेरियंस है, ये सारी बातें कब फॉलो होती हैं, केवल कब अप्लाई होती हैं, जब वेलोसिटी पार्टिकल की या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कैसी हो, बहुत कम हो विद रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम हो। ठीक है, चलो, ये बहुत मज़ेदार बुक है, आपको बहुत मन लगने वाला है इसमें, क्योंकि ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो वाकई में बहुत क्रांतिकारी थ्योरी है ना। चलो, तो आप एक बताओ, लेकिन आप पढ़ते रहना और अपना स्नेह, अपना प्यार और अपना सहयोग बस बरसाते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो वेक्टर ए डैस हमने सिद्ध कर दिया किसके बराबर है, वेक्टर ए डैस ए के बराबर है, तो मैं साइड में लिख दूं, बिकॉज वेक्टर ए डैस किसके बराबर है, वेक्टर ए के, तो देखो एफ वेक्टर एफ डैस किसके बराबर आएगा, एम वेक्टर ए, ए डैस की जगह क्या रख दिया, ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, एफ के बराबर हो जाएगा, नहीं ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर एम में होता है। तो यहाँ से देखो, आप पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापा गया जो फोर्स है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नापे गए फोर्स के बराबर आया या नहीं आया, आ गया, इसका सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो गैलीलियन इनवेरियंस हुआ कि नहीं हुआ, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स नाप रहे हो एफ, दूसरे में नाप रहे हो एफ डैश, और दोनों का कैसे आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो यही क्या है, गैलीलियन इनवेरियंस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये न्यूटन का थर्ड सेकेंड लॉ था, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यानी न्यूटन के लॉज जो हैं वो गैलीलियन इनवेरियंस को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था जो अन्य लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिमिलरली वो भी क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना और साथ में नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना स्नेह देते रहिए, और साथ में जो आपके स्टूडेंट्स साथ के हैं जो लाभान्वित हो सकते हों, उन्हें आप उन तक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।